चुन्नम की तरह है मुबारका, पहले थोड़ी स्वादिष्ट लगती है, फिर बेस्वाद हो जाती है, फिर जब तक आपको चबाने की क्रिया खींचना है खींचते रहिए। निर्देशक अनीस बज़मी 157 मिनट तक फिल्म को चुंगम की तरह खींचते रहे, जबकि यह बेमजा बहुत पहले ही हो गई थी। अनीस बज़मी को मसाला फिल्म मेकर माना जाता है, जिसमें हर वर्ग और उम्र के दर्शकों को खुश करने की कोशिश की जाती है। नो एंट्री, वेलकम, सिंग इज किंग जैसी सफल फिल्में उन्होंने दी है, लेकिन अब वे इसी जाल में उलझ गए हैं और बजाय कुछ नया करने के दोहराव का शिकार हो रहे हैं। जुड़वा भाई, एक जैसी शक्ल, इसको लेकर होने वाला कंफ्यूजन बहुत पुराना हिंदी फिल्मों का फार्मूला है। मुबारका में भी यही सब होता है, सारे रटे रटाए फार्मूले डाले गए हैं, लेकिन फिर भी फिल्म मनोरंजन नहीं कर पाती तो दोष लेखक और निर्देशक को जाता है। करण और चरण जुड़वा भाई है, एक चंडीगढ़ में पलता है, दूसरा लंदन में। स्वीटी को करण चाहता है और नफीसा से चरण को प्यार हो जाता है। दोनों अपने माता पिता से डरते हैं और यह बात बता नहीं पाते। हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि चरण की शादी स्वीटी से और करण की शादी बिंदल से तय हो जाती है। इधर चरण अब बिंदल को चाहने लगता है। दोनों उलझ जाते हैं और अपने चाचू करतार की मदद लेते हैं। करतार नए नए आइडिया पेश करता है, लेकिन सारे बेअसर। आखिरकार वह किस तरह से दोनों को इस उलझन से बाहर निकालता है, यह फिल्म में कॉमेडी के जरिए पेश किया गया है। कहानी बहुत आम है और सैकड़ों बार हिंदी फिल्मों में दिखाई गई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि इस कहानी पर कॉमेडी फिल्म बनाने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना मजेदार नहीं है कि फिल्म में मनोरंजन की धारा बहती रहे। पर्दे पर जो घटनाक्रम चलते रहते हैं, वे हंसी तो दूर मुस्कान भी नहीं ला पाते। फिल्म थोड़ी देर बाद चलने के बाद ठहर जाती है। करतार नए नए आइडिया बताता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि दर्शक रूटीन कहानी को भूल जाए और ठहाके लगाए। आइडियो को बहुत ज्यादा खींचा गया है और फिल्म देखते समय लगता है कि फिल्मकार फिल्म को खत्म करने के मूड में नहीं है। करण को तो लंदन का आधुनिक लड़का बताया गया है, लेकिन वह अपनी माँ को यह बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाता कि वह स्वीटी से प्यार करता है, यह समझ के परे है। इसी तरह नफीसा को चरण चाहता है, लेकिन बाद में वह बिंदल की तरफ क्यों आकर्षित हो जाता है, यह बात ठीक से दर्शाई नहीं गई है, जबकि चरण को बेहद शरीफ और संस्कारी बताया गया है। यह बात पूरी फिल्म देखते समय अखरती रहती है। निर्देशक के रूप में अनीस बज़मी ने अपने प्रस्तुतिकरण के जरिए दर्शकों को कंफ्यूज करने की, चौंकाने की और हंसाने की कोशिश की है, लेकिन स्क्रिप्ट दमदार न होने के कारण उनके सारे प्रयास निरर्थक साबित होते हैं। उन्होंने फिल्म को भव्यता दी है और साफ सुथरा रखा है, लेकिन यह काफी नहीं है। अर्जुन कपूर फिल्म की कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। वे गोविंदा या अक्षय कुमार तो है नहीं कि स्क्रिप्ट के कमजोर होने की दशा में अपने अभिनय के बल पर दर्शकों को हंसा दे। कॉमेडी करना उनके बस की बात नहीं लगी, उनके अतिरिक्त प्रयास साफ नजर आते हैं। वे कई बार करण को चरण के जैसे निभाते लगे और डबल रोल में भिन्नता नहीं ला पाए। उन्हें अपने डांस पर मेहनत की जरूरत है। अनिल कपूर ने जरूर दर्शकों को करतार के रूप में हंसाया है और अर्जुन कपूर को अपने चाचा से सीखना चाहिए कि किस तरह कॉमेडी सीन करना चाहिए। अनिल ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है। हीरोइन के रूप में इलियाना डिक्रूज का अभिनय अच्छा रहा। अथिया शेट्टी को ज्यादा सीन नहीं दिए गए, लेकिन जितने भी सीन उन्हें मिले वे प्रभावित नहीं कर पाई। पवन मल्होत्रा, रत्ना पाठक, शाह, नेहा शर्मा का अभिनय बेहतर रहा। फिल्म में एक भी ऐसा गाना नहीं है जो याद रहे। संवाद कुछ जगह गुदगुदाते हैं। कुल मिलाकर मुबारका मुबारक के लायक नहीं है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।